हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द काइंड ऑफ अ सेल्स इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर स्टडीड, जिसमें हम लोग जो यूज करते हैं मेटल रॉड्स, और अभी से हियर दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड्स, मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ओके, सो देर आर टू प्लेट्स और वी कैन से हियर रॉड्स वी आर यूजिंग, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, या कभी कभी यहां पर प्लैटिनम का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर नथिंग बट द सेल्स इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर स्टडीड, राइट? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी यूज ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रोफ है कार्बन का, एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आकर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपको पता है यहां पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन स्पेसिस टू द अनदर स्पेसिस। द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पेसिस टू अनदर स्पेसिस इज नथिंग बट द रिडॉक्स रिएक्शन। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज अकर, दस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट वी कैन से हियर। तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। आई टोल्ड यू देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अभी यहां पे हमें समझना होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोड, किसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। ओके, सो इलेक्ट्रोड इज द सरफेस ऑन विच आइदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। So, the surface on which oxidation half reaction or reduction half रिएक्शन टेक्स प्लेस इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट्स, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए हमने यहां पे इसको लिखा है हाफ रिएक्शन। जो भी होगा यहां पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन का
उसे भी हम लोग यहां पे हाफ ही कहेंगे एंड सेम फॉर द रिडक्शन रिएक्शन. ओके, अभी यहां पे दो टाइप के हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोड्स. इसमें से पहला वाला जो है इसे हम लोग कहेंगे एनोड. ओके, द इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इट्स कॉल्ड एनोड. देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ही होगा, चाहे उसका चार्ज कौन सा भी क्यों ना हो. मे बी इट हैज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज समटाइम्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ही होगा. ओके, द स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज लूज द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो जो भी यहां पे स्पीसीज होगा ये यहां पे क्या करेगा, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज एनोड. ठीक है, अभी मैंने आपको ये इसीलिए कहा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड हमेशा होता है पॉजिटिव. लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे गैल्वानिक सेल की और वोल्टाइक सेल की, तो यहां पे जो होता है एनोड ये हमेशा निगेटिव होता है. दैट्स व्हाई चार्ज इसके ऊपर चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एनोड के ऊपर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय कैथोड. कैथोड, यस, द इलेक्ट्रोड on the surface of which yes reduction half reaction takes place, it's called कैथोड. ओके, द स्पीसीज अंडरगोइंग रिडक्शन ऑन कैथोड, यस, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज अ कैथोड. ठीक है, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं इनमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और इनमें होते हैं एनोड एज वेल एज कैथोड, ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स. साथ ही साथ यहां पर हमें लेना पड़ेगा सोल्यूशन, यू नो दैट इन विच दिस टू इलेक्ट्रोड्स वी हैव टू डीप. द सोल्यूशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी मोल्टन सोल्यूशन और वी कैन से फ्यूज सॉल्यूशन और इट मे समटाइम्स आल्सो एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल NaCl केप्ट इन वाटर इट्स एक्वस सॉल्यूशन. सो यहां पे हम लोग यूज करते हैं हमेशा इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी मोल्टन और फ्यूज और समटाइम इट्स नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन. तो याद रहे यहां पे होना चाहिए यस इलेक्ट्रोलाइट भी. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. So, types of electrochemical cell. Students, there are two types of electrochemical cell. The first one is here, electrolytic cell.
क्या होते हैं? यस, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस, द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन इज फोर्स टू अकर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इट्स कॉल्ड, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन इज फोर्स टू अकर बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स. वी हैव टू से हियर आउटसाइड, आई विल राइट हियर सोर्स, जो मोस्टली होता है डीसी, डायरेक्ट करंट. आपको पता है व्हाट इज बाय एसी एंड डीसी, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे हमेशा डायरेक्ट करंट. सो यहां पे जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अगर हमने ये डीसी का जो सोर्स है यहां से आने वाला करंट बंद कर दिया तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इसको हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करना ही होता है, इसलिए ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस. ये नेचुरल नहीं है, ये अपने आप नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर देयर इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर है ना, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं आपको पता है, या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. यूजुअली इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी व्हेन वी आर गेटिंग द मेटल एंड द फाइनल स्टेज दैट मेटल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, तो काफी जरूरी होता है उसको प्यूरिफाई करना, जो हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसका दूसरा जो टाइप है दैट इज नोन एज अ गैल्वानिक सेल. टू राइट दिस आई नीड सम स्पेस, सो आई जस्ट थिंक दैट यू शुड नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक. ओके, नाउ लेट्स सी हियर, लेट मी टेल यू वन थिंग. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें एनोड होता है पॉजिटिव और जो होता है कैथोड ये होता है निगेटिव. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सेकेंड टाइप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसको हम लोग यहां पे कहेंगे गैल्वानिक सेल और वी कैन ऑल्सो से इट एज वोल्टाइक सेल. देखिए गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल जो है इनके नाम कैसे आए, देयर इज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईगी गैल्वानी, तो इनके नाम से यहां पे आया है गैल्वानिक सेल. एंड अलेक्जेंडर होल्टा और द अदर साइंटिस्ट जिनका नाम है अलेक्जेंडर होल्टा, तो होल्टा से आया वोल्टाइक सेल. तो ये जो सेल है इट्स अ सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसमें जो भी रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्वियसली ये, लेकिन यहां पे स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, और यहां पे केमिकल एनर्जी का होगा कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में. सो द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड यस गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच यस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. स्पॉन्टेनियस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार हमने इस सेल को सेटअप कर दिया तो ये आपने आप अपना काम करता रहेगा और कंटिन्यूअसली केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड हेंस इट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस. सो द सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज अ गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल. ओके हियर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू यस इलेक्ट्रिक एनर्जी टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल देखिए ड्राई सेल फ्यूएल सेल लेड एक्यूमुलेटर ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं. ओके दे आर नोन एज अ गैल्वानिक सेल. ठीक है अभी यहां पे एनोड जो है ये होता है निगेटिव और जो है यहां पे कैथोड ये होता है पॉजिटिव. ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल एनोड हमेशा निगेटिव होगा और कैथोड जो है हमेशा यहां पे पॉजिटिव होगा. ठीक है जो कि इधर जरा डिफरेंट है. यहां पे एनोड होता है पॉजिटिव एंड कैथोड जो होता है ये होता है यहां पे निगेटिव. सो इन दिस वे वी कैन से द यू नो देर आर टू और थ्री डिफरेंसेस वी कैन से अबाउट द बिटवीन द टाइप ऑफ द गैल्वानिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर वी हैव टू सी व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस और हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ यस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और वी कैन से हियर फ्यूज NaCl. क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस. आई टोल्ड यू आई थिंक ऑलरेडी कि जो यहां पे है इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और जो यहां पे लिखा है लाइसिस दैट इज नथिंग बट नोन एज अ ब्रेकडाउन. ओके सो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके यहां पे हमें ब्रेकडाउन करना है आयोनिक कंपाउंड को. ठीक है उसके आयंस में फिर वो जो आयंस है ये जाएंगे कैथोड पे और एनोड पे और वहां पे जाने के बाद ये हो जाएंगे डिस्चार्ज. इसीलिए हमें यहां पे दो टाइप के मिलेंगे प्रोडक्ट्स. सो द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है सो क्या है यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस. The process of breakdown of an ionic compound
इन मोल्टन स्टेट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज स्टेट में, फ्यूज स्टेट, और एक्वस स्टेट बाय द पैसेज, पैसेज मतलब पास करना है हम यहां पे, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर हमें यहां पे देखना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तो देखिए इसके लिए मैं छोटा सा यहां पे डायग्राम बनाता हूं। सो देयर इज अ कंटेनर वी हैव टू टेक हियर, ये है यहां पे इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने आपको कहा था कि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अ ग्रेफाइट कार्बन, और सम टाइम दे कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ अ प्लैटिनम। तो जो भी होते हैं इलेक्ट्रोड्स, दिस इलेक्ट्रोड्स दे मे और मे नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मोस्टली वो कुछ ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रोड्स, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। सच अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि यहां पे है प्लैटिनम, ओके, द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दे आर नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये है ग्रेफाइट के रॉड्स। एज आई टोल्ड यू, जो भी यहां पे होगा टर्मिनल, चलिए हमने यहां पे ले लिया है बैटरी, बैटरी के लिए सिंबल आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया है, चलो यहां पे इमेजिन करके ये है इसका पॉजिटिव एंड और ये दूसरा है इसका नेगेटिव एंड, और यहां पर मैं इसे करता हूं कनेक्ट। ठीक है, सो इट्स अ बैटरी, शायद यहां पे हम लोग यहां पे एक स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लोग लेंगे मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, और वी कैन से हियर फ्यूज NaCl एज एन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को अगर हमने यहां पे हीट किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल्ट या फिर ये हो जाएगा फ्यूज। सो हियर वी हैव टू टेक हियर मोल्टन NaCl, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी हियर इन दिस केस, यहां पे हम लोग बोलेंगे इसको एनोड, और ये रहा इस साइड का कैथोड। ठीक है, सो मोल्टन NaCl का अगर हमने कराया इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम निकालना पड़ेगा। क्या होगा यहां पर इन अ केमिकल रिएक्शन, सो आपको पता है कि जो भी यहां पे है एनोड, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। सो आई विल राइट हियर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक है, तो देखिए NaCl जो है NaCl से अगर हमने यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा पता है, यहां पे NaCl जो है इसके यहां पे Na प्लस एंड Cl माइनस ऐसे दो टाइप के आयन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। Na प्लस को हम लोग यहां पे बोलेंगे कैटायन, और जो है Cl माइनस इसे हम लोग कहेंगे एनायन। सो Cl माइनस का चार्ज अगर आप देखोगे तो ये है माइनस चार्ज, सो Cl माइनस आयन्स दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। तो यहां पे सारे के सारे जो Cl माइनस है वो पास हो जाएंगे टूवर्ड्स द एनोड, बिकॉज इनके ऊपर का चार्ज है नेगेटिव
और जो यहां पे है एनोड ये तो यहां पे है पॉजिटिव. Na प्लस के कैटाइन जो है वो ऑब्वियसली ट्रेवल करेंगे माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड इन दिस वे. ठीक है तो देखिए कुछ इस तरीके से यहां पे आपको दिखाई देगा क्या होगा एनोड पे Cl माइनस आयंस. ओके दिस Cl माइनस आयंस दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड जहां पर उनका होगा ऑक्सीडेशन. सो Cl माइनस get oxidized at anode. ठीक है Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहां पे फॉर्म होगा न्यूट्रल क्लोरीन. ठीक है यहां पे हमें लिखना होगा लिक्विड स्टेट में क्योंकि यहां पे हमने वाटर को यूज नहीं किया है तो यहां पे हमें एक्वस नहीं लिखना होगा तो यहां पे हमने लिखा है L. वन सी एल माइनस आयन इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वन क्लोरीन. एट द सेम टाइम और एक ऐसा यहां पे रिएक्शन होगा. सो देखिए तो सी एल माइनस अगेन इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हियर क्लोरीन. तो इस तरीके से ये जो है ओवरऑल टू सी एल माइनस आयन्स जो है प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट दे विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एंड क्लोरीन यहां पे जो है यहां पे फॉर्म हो जाएगा Cl2 गैस. ठीक है दो क्लोरीन की आयंस ने मिला के दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और फिर यहां पे Cl2 गैस जो है ये इधर प्रोड्यूस हो जाएगा. ये गैस है इसलिए मैंने यहां पे सिंबल दिया है जी. सो वी कैन से यहां पर बबल्स के फॉर्म में क्लोरीन गैस लिबरेट होगा. So the liberation of chlorine gas it will occur at the surface of anode here. So Cl minus get oxidized at anode to form chlorine gas. Hence chlorine gas is liberated एट एनोड. देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुआ है दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ यस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट्स व्हाई इसलिए हमने यहां पे लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. आई नीड सम स्पेस दैट्स व्हाई I just think that you should note down these things properly. So, at anode, there will be the oxidation will take place. और यहां पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लॉस करेगा क्लोरीन का आयन these इलेक्ट्रॉन्स they will travel. You know that इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेंगे. देखिए ये इस दिशा में ट्रेवल होंगे मैं दिखा रहा हूं स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ये हमेशा रिवर्स होता है. देखिए ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो. सो दिस बैटरी सक्स दिस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के ये एब्जॉर्ब कर लेगी बैटरी एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुश टुवर्ड्स द कैथोड. इलेक्ट्रॉन जो आएंगे एनोड से ये बैटरी इसको सक कर लेगा और आगे ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड्स द कैथोड. ठीक है सो एट कैथोड देयर विल बी रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. आई विल राइट हियर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड travel towards the cathode through the external circuit. Electrons are absorbed by the battery and
push towards the cathode. तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, ये यहां पे होगा. देखिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, नो दैट. ठीक है, सो Na प्लस के जो आयंस है, कैटायंस, आई टोल्ड यू Na का जो चार्ज है ये है पॉजिटिव और जो कैथोड है ये तो यहां पे है नेगेटिव. सो Na प्लस कैटायंस दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वायर एंड यहां पे फिर फॉर्म होगा न्यूट्रल सोडियम का एटम. ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टेट एज अ लिक्विड. और यहां पे हुआ है रिडक्शन क्योंकि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. ठीक है, तो इधर हो जाएगा रिडक्शन. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर Na प्लस के जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और ये आयन हो जाएंगे डिस्चार्ज. डिस्चार्ज इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर पहले चार्ज था पॉजिटिव, अब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. पहले चार्ज था, अब चार्ज नहीं है, मतलब होगा डिस्चार्ज. ठीक है, सो Na प्लस आयंस दे गेट डिस्चार्ज एट द कैथोड टू फॉर्म हियर न्यूट्रल सोडियम एटम. ठीक है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन. इसीलिए यहां पे भी टू आना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैड टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय टू हियर, सो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन. तो ये रहा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना होगा. सो हियर ट्वाइस Cl माइनस लिक्विड इट गिव्स टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2 गैसियस. ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑब्वियसली चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन को ट्वाइस Na प्लस लिक्विड प्लस ट्वाइस Cl माइनस लिक्विड. इलेक्ट्रॉन जो है ये कट हो जाएंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द एरो. ट्वाइस Na लिक्विड एंड Cl2 गैस. सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस? यस, लिबरेशन ऑफ पेल येलो कलर्ड क्लोरीन गैस एट एनोड एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्वरी व्हाइट कलर्ड सोडियम एट कैथोड सरफेस. ये है ओवरऑल नेट रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन NaCl इट विल टेक प्लेस. ठीक है, यहां पे दो स्टेप में भी आप लोग इसको लिख सकते हो. दो स्टेप में इसको लिखना कैसे है, काफी आसान है. देखिए Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो यहां पे आ जाएगा 2Cl माइनस. ठीक है, और फिर ये 2Cl माइनस जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. फिर हम लोग यहां पे Cl लिक्विड एंड Cl लिक्विड भी लिख सकते हैं. इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस. फिर बाद में जाके हम यहां पर देखिए ये वापस Cl, इसको भी मिलता हूं लिक्विड, Cl लिक्विड प्लस Cl लिक्विड और यहां पे Cl2 गैस, ऐसा भी करके इसको लिख सकते हैं. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंडरी प्रोसेस. तो ये भी इसका तरीका है. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो
यहाँ पे वैसे भी ये कट ही होने वाले हैं, तो आपको ओवरऑल यही मिलेगा। तो ये भी इसका तरीका है, आप कौन सा भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली। पेल ग्रीन कलर चाहिए था यहाँ पे, सो इट शुड बी पेल ग्रीन कलर। नाउ लेट्स सी हियर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। मोल्टन का अभी हमने देखा, अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इन दिस केस वी हैव टू रिप्लेस द फ्यूज सोल्यूशन ऑफ NaCl बाय मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे NaCl के साथ में आएगा वाटर H2O, सो इट्स नथिंग बट यस मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड बट एक्वस सोल्यूशन वी हैव टू यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, जो भी हमने यहां पे ऐड किया है वाटर, बिकॉज ऑफ दिस वाटर देर विल बी चेंज इन द रिएक्शन पैटर्न। कैसे, देखिए रिडक्शन तो होता है कैथोड पे, आपको पता है रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट अ कैथोड ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे क्या होगा पता है, देर आर टू रिएक्शंस, दे विल कंपीट विथ इच अदर, क्योंकि NaCl इससे प्रोड्यूस होगा Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, एंड फ्रॉम वॉटर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एज वेल एज OH माइनस आयन। तो यहां पे दो है कैटायंस और दो यहां पे है एनायंस, इनके बीच में यहां पे हुआ कॉम्पिटिशन। सो हियर अगर हम यहां पे देखेंगे कैथोड पे द टू रिएक्शंस विल कंपीट, वन इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ Na प्लस एज इन केस ऑफ मोल्टन NaCl हमने देखा था। तो Na प्लस विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Na। इस रिएक्शन का अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है -2.71 वोल्ट। दूसरा यहां पे क्या होगा केस, अदर इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ वॉटर टू हाइड्रोजन गैस। तो जो यहां पे है H2O इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस एज वेल एज 2OH माइनस आयन विल ऑल्सो गेट फॉर्म। अभी इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका वैल्यू है -0.83। अगर आप देखोगे इन दो वैल्यूज में से यस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ वॉटर टू हाइड्रोजन इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। और याद रखिएगा जिसके लिए भी वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा दैट रिएक्शन विल अक्कर प्रेफरेंशियली। तो इन दोनों रिएक्शन में इसका वैल्यू यहां पे ज्यादा आया है, दैट्स व्हाई यस रिडक्शन ऑफ वॉटर टू हाइड्रोजन गैस दिस रिएक्शन विल अक्कर प्रेफरेंशियली एट अ कैथोड। रिमेंबर दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वही रिएक्शन यहां पे होगा कैथोड पे। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दैट्स व्हाई एट कैथोड प्रेफरेंशियली दिस रिएक्शन विल अकर। यहां पे सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा, यहां पे रिडक्शन होगा वॉटर का हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो एक यहां पे क्लियर हो गया कि कौन सा रिएक्शन होगा कैथोड पे, तो ये होगा रिएक्शन कैथोड पे। अगर हम यहां पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, तो देखिए वापस यहां पे क्या होगा, देयर आर अगेन द कॉम्पिटिशन इन द टू रिएक्शन। एक जो रिएक्शन है यहां पे क्या होगा, Cl- विल गेट ऑक्सीडाइज टू Cl2 एंड द अदर इज वॉटर मॉलिक्यूल, वॉटर इट इज गेट ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस। सो देखिए मैंने यहां पे लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ वॉटर टू O2 गैस,
देखिए अभी ये रिएक्शन जो है ये है ऑक्सीडेशन के रिएक्शन, तो इसके लिए हमें यहां पे लेने होंगे इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन के वैल्यूज। यहां पे हमने लिए है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज। ये सब टर्म्स क्या है ये हम जानेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डिटेल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। ओके, अभी यहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखोगे पहले रिएक्शन का, तो इसका वैल्यू है -1.36 वोल्ट, और जो दूसरा यहां पे रिएक्शन है मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इनटू O2, इसके लिए जो वैल्यू है ये है -0.4 वोल्ट। अगेन हियर द वैल्यू फॉर यू नो H2O इट इज ग्रेटर। यस, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन इट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ यस कन्वर्जन ऑफ Cl- इनटू Cl2। इसे यहां पे प्रेफरेंशियली देखा जाए तो ये सेकंड वाला रिएक्शन होना चाहिए। मैंने कहा आपसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा आएगा दैट रिएक्शन विल प्रेफरेंशियली टेक्स प्लेस एट अ एनोड। तो इन दोनों रिएक्शन में वैसे देखा जाए तो सेकंड वाला रिएक्शन होना चाहिए प्रेफरेंशियली एनोड पे, बट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इट इज ऑब्जर्व दैट एट एनोड क्लोरीन गैस इज गेट लिबरेटेड। क्यों होता है ऐसा? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। यस, बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। यहां पे देखा जाए तो सेकंड रिएक्शन होना चाहिए था एनोड पे प्रेफरेंशियली, लेकिन होता कौन सा है? पहला वाला रिएक्शन होता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। ठीक है, क्या है ओवर वोल्टेज? ये दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, एक बार को देख लेना। तो सेकंड रिएक्शन यहां पे नहीं होगा, तो ये रिएक्शन है इट इज फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए अभी इन दोनों रिएक्शन को हम लोग देखेंगे क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन। सो आई विल राइट हियर ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। पहले यस जो होता है एनोड पे क्या है वो ट्वाइस सीएल माइनस एक्वस इट गिव्स Cl2 गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स H2 गैसियस प्लस 2OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये है दूसरा मतलब रिएक्शन। अभी इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना होगा, तो क्या मिलेगा हमें? यस, ट्वाइस Cl माइनस एक्वस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे हो जाएंगे कट। ओके, Cl2 गैसियस प्लस H2 गैसियस प्लस 2OH माइनस आयंस एक्वस दे विल आल्सो गेट प्रोड्यूस। इसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल रिएक्शन, और वी कैन राइट हियर नेट रिएक्शन। ठीक है, सो वी कैन से हियर एट कैथोड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक्स प्लेस। ओके, सो मैं यहां पे एक वापस थोड़ा सा ब्रैकेट बनाकर लिख देता हूं क्या है इस रिएक्शन का ओवरऑल रिजल्ट। सो रिजल्ट, यस, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड लिबरेशन ऑफ यस क्लोरीन गैस एट एनोड। ठीक है, देखिए तो जो यहां पे है Na+ ये रिएक्शन तो उधर होगा ही नहीं, मतलब ये वाला रिएक्शन, तो Na+ आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है Na+ के आयंस
Na प्लस आयंस ये रिएक्ट करेंगे OH माइनस आयन से. OH माइनस आयन कहां से आए? OH माइनस आयन आए इस रिएक्शन में से, नेट रिएक्शन में से. सो Na प्लस प्लस OH माइनस, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH. सो यहां पे NaOH आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा. सो हियर यस अनरिएक्टेड, सॉरी अनरिएक्टेड Na प्लस आयंस विल रिएक्ट विथ OH माइनस आयंस टू फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे प्रेफरेंशियली फॉर्म होगा. सो इस तरीके से आपको हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ यूज NaCl, कौन से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, कैथोड पे या फिर एनोड पे. ठीक है, तो फ्यूज के लिए अलग हो गए और एक्वस के लिए अलग हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. ओके, नाउ लेट्स सी हियर द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. जो भी यहां पे सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या फिर लिबेट होंगे, इनका मास कैसे निकाल सकते हैं हम लोग. सो फॉर दिस देयर आर दिस स्टेप्स. क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है इसके ऊपर, हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग द रिएक्शन स्टोइकोमेट्री. देखिए, तो ये हम लोग यहां पे करेंगे चार स्टेप्स में, काफी सिंपल स्टेप्स है. देखिए, द फर्स्ट वन इज हियर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हमें यहां पे निकालना पड़ता है. आपको पता है इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज, एंड चार्ज के लिए जो सिंबल हम लोग यहां पे यूज करेंगे ये है क्यू. सो चार्ज क्यू जो है, क्यू इज इक्वल टू, यू नो दैट चार्ज इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट. यस, यहां पे होता है करंट. ठीक है, मैं यहां पे चार्ज ना लिखते हुए इनके जो है यूनिट्स यहां पे लिखूंगा. ठीक है, सो आई विल राइट हियर प्रेफरेंशियली द कूलोम, यू नो दैट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज. ओके, इट इज इक्वल टू करंट जो हम लोग यहां पे मेजर करते हैं एम्पियर में, इनटू टाइम जो हम लोग यहां पे मेजर करते हैं सेकेंड्स में. सो द फर्स्ट स्टेप इज हियर, वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, और वी कैन से हियर इलेक्ट्रोलाइट. सो चार्ज इज मेजर्ड इन द यूनिट कूलम. सो यू नो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी, यहां पे जो आई है ये है करंट, इट इज मेजर इन द यूनिट एम्पियर, एंड टाइम यहां पे हम लोग मेजर करेंगे सेकेंड्स में. तो यहां पे ये है हमारा सबसे पहला वाला स्टेप. देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास वी हैव टू कैलकुलेट. बस हमें यहां पे एक बात हमें रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास अगर हमें यहां पे निकालना है, तो ये जो है पहला वाला वैल्यू क्यू का, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 96,500 से. दिस इज द वैल्यू हियर, 96,500 नो कूलम्स. ये क्या है एक्चुअली, ये है यू नो दैट वन फैराडे. वन फैराडे क्या होता है, वन फैराडे ए नथिंग बट द चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6.022 × 10^23, ये होता है वन मोल का, वन मोल इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू. इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज अ वन फैराडे. इसका वैल्यू आता है 96,500 कूलम्स. सो इट इज नोन एज अ वन फैराडे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास अगर हमें यहां पे निकालना है, तो इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 96,500. ठीक है, इससे हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास.
फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग यहां पे कैसे निकालते हैं। तो देखिए दूसरे स्टेप में हमने यूज किया था पहला वाला स्टेप, तो तीसरे स्टेप में भी हम लोग यूज करेंगे ये दूसरा वाला स्टेप। मतलब क्या है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट इज इक्वल टू यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास इनटू मोल रेशो। मोल रेशो क्या है, देखिए अगर हमने यहां पे कोई मेटल लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे मेटल है Cu2+। Cu2+ जब भी डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, देन दिस Cu2+ इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कॉपर। तो अगर हमें यहां पे निकालना है इसका मोल रेशियो, तो क्या आएगा, द मोल रेशियो फॉर दिस कॉपर विल बी इक्वल टू, मोल रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, मोल रेशियो इज इक्वल टू यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ रिएक्शन। देखिए ये है मैंने लिखा हुआ हाफ रिएक्शन, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं समझो एक्वस और यहां पे लिखता हूं सॉलिड। ये मैंने लिखा है इधर हाफ रिएक्शन, इसमें यहां पे कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट के, 1 मोल। सो 1 ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन हाफ रिएक्शन। नीचे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, 2। सो 1/2 यहां पे आएगा मोल रेशियो। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो Al देखिए Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मिलता हमें एल्यूमिनियम, तो इसके लिए जो आएगा मोल रेशियो का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने आएंगे, 1/ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां रिएक्शन में, 3। सो 1/3 ये आएगा इसके लिए मोल रेशियो। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोल रेशियो। ठीक है, तो ये है यहां पे मोल रेशियो का कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास, ये है वो वैल्यू, इनटू मोल रेशियो, ये हमें यहां पे करना पड़ेगा। आपको पता है कि यहां पे जो क्यू है इसके लिए हम लोग इधर आई, ठीक है, इनटू टी डिवाइड बाय 96,500, ये भी इधर हम लोग लिख सकते हैं। सो यू कैन आल्सो राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई इनटू टी अपॉन 96,500 इनटू जो भी आएगा मोल रेशियो। तो मोल रेशियो कैसे निकालना है ये मैंने अभी आपको इधर बताया है। सो ये आएगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। यस ये आपने सीखा होगा 11 साइंस में भी। सो मास अगर हमें यहां पे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। मतलब ये जो हमें स्टेप नंबर 3 में मिला है, क्या मिला है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू यस ये हमने यहां पे लिखा है एन, यू नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू मोलार मास। मोलार मास आपको दिया जाएगा। सो इन दिस वे इन द 4 स्टेप्स यू कैन फाइंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एट एनी इलेक्ट्रोड, स्पेशली वी विल से हियर एट द कैथोड, क्योंकि मेटल जो होते हैं मोस्टली दे गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, हमने देखा। ओके सो इस तरीके से अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली पास है इसके लिए क्या वैल्यू लिखा था मैंने, I into T divided by 96,500
ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास के लिए इनटू क्या करना होगा मुझे मोल रेशियो भी यहां पे लिखना होगा और ये मैंने स्लिप और स्लिप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पाउडर फॉर्म के लिए इसी के लिए लिखा है तो ये है इसका वैल्यू इनटू मोल रेशियो इनटू मोलार मास तो ये भी और एक फॉर्मूला हम लोग इधर देख सकते हैं रिमेंबर करंट जो होगा ये हमेशा चाहिए एम्पियर में टाइम होना चाहिए यस सेकेंड्स में ओके एंड 96,500 यहां पे क्या है कूलम्स में ओके सो मोल रेशियो इनटू मोलर मास तो ये है ये दोनों भी फॉर्मूले हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यूज बट रिमेंबर आई टोल्ड यू द यूनिट्स ओके मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा वैसे काफी सिंपल है बस पहले स्टेप में हमें जो कुछ मिलेगा वही हमें यूज करना है नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ वन फैराडे एंड वन कूलम एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स ओके टिल द टाइम प्लीज टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय